हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। दिस इज टाइम फॉर योर केमिस्ट्री क्लास। Yes, good morning। सब लोग क्लास ज्वाइन करो। और भी लोगों से बोलो जल्दी करें। आवाज आ रही है? हेलो, और लोगों से बोलो जल्दी करें। कल के क्लास में हमने ई ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 16 के सेकंड एलिमेंट के बारे में, सल्फर के बारे में बताया था। उसके पहले कंप्लीट डिस्कशन ऑक्सीजन के बारे में हो गया था। ऑक्सीजन के बारे में कंप्लीट स्टडी हो गई थी और सल्फर के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो वेट कर रही हूँ और लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले तो फिर हम आगे बताते हैं सल्फर के बारे में। आज हमें सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है। हाँ, तो और लोग भी करते रहे जल्दी, हम स्टार्ट करते हैं। सल्फर के बारे में बताया था कि कितने एलोट्रॉप सल्फर के मिलते हैं, तो उसमें पिछले क्लास में हमने बताया था, तो हो सकता है तुम लोगों ने नोट किया हो, नोट नहीं किया हो तो उसको देख लेना। आज हम बताएंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के कितने तरह के कंपाउंड्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, सबसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। उसके बाद है सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। उसके अलावा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फाइड, इस तरह से। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फर का कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है SO2। अब सबसे पहले इसकी बनाने की
किस तरह से सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिलती है इस पे हम बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पे बनती है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलाई जाती है तो वाटर बनता है, उसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन को जलाते हैं तब क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसमें 6-8% तक सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। उसके अलावा इसकी प्रयोगशाला भी दी है सामने, प्रयोगशाला में ये धातु के सल्फाइड जैसे कि सोडियम सल्फाइड है, इसका रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और साथ में सोडियम सल्फेट और H2O बनता है। उसके अलावा औद्योगिक निर्माण किस तरह से करते हैं, औद्योगिक निर्माण के लिए आयरन सल्फाइड लेते हैं, फेरस सल्फाइड जिसको कि हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है बनता है। इस विधि का उपयोग जब मेटलर्जी हो रही होती है और जो आयरन के अयस्क होते हैं सल्फाइड अयस्क उनको भी वायु के साथ हीट करके सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। दूसरा मेथड है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से भी औद्योगिक निर्माण किया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड सल्फर अलग होकर के ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और एक ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद गैस को शुष्क करने के बाद दाब द्वारा द्रवित किया जाता है तथा स्टील के सिलेंडरों में इकट्ठा किया जाता है। उसके अलावा सल्फर की सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। रिएक्शन ये है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ हीट करते हैं तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। उसके अलावा कॉपर या सिल्वर धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो भी हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। रिएक्शन इस तरह से कॉपर सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये SO4 इधर जुड़ करके कॉपर सल्फेट बनाता है, H2O अलग होता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ठीक उसी तरह सिल्वर से रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो सिल्वर सल्फेट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड चूंकि ये गैस होती है तो निकलती है तो इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली रंगीन गैस है। लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है तो इसकी गैस वहां भी सूंघ के क्लियर कर सकते हो। सेकेंड ग्रुप की एनालिसिस में इसका यूज होता है। उसके अलावा ये जल में अत्यधिक विलेय है रूम टेम्परेचर पे और 2 वायुमंडलीय दाब पे ये लिक्विड में बदल जाती है। क्वथनांक 263 डिग्री केल्विन, हिमांक 200.3 डिग्री केल्विन होता है और वायु से ये भारी है। अब आ जाते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले जो सिंपल रिएक्शन होता है कि अगर इसको जलाया जाए तो क्या होगा, कंब्यूशन। ये ना तो जलती है और ना जलने में सहायता प्राप्त करती है, लेकिन फिर भी इसको जलाया जाए जलते हुए मैग्नीशियम या पोटेशियम इसके वातावरण में जलते हैं, परंतु जलते हुए मैग्नीशियम या पोटेशियम इसके वातावरण में और ज्यादा जलने लगते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है जो मैग्नीशियम और कैल्शियम से संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। रिएक्शन ये है सल्फर डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम को हम हीट किए हुए हैं और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो तेजी से जलते हैं और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है और मैग्नीशियम सल्फाइड भी बनती है। इसकी ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और सल्फर मैग्नीशियम सल्फाइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है इसी तरह से पोटेशियम, अगर जलाई जा रही हीट की जा रही है तो पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम
थायोसल्फेट बनता है। उसके बाद आ जाओ इसका अम्लीय नेचर। अम्लीय नेचर क्यों होता है कि जब ये वाटर में डिजोल्व की जाती है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है H2SO3। अब है रिएक्शन विद कास्टिक बेस, यानी क्षारों से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, NaOH से रिएक्शन करती है सल्फर डाइऑक्साइड तो सोडियम सल्फाइड बनता है। उसके अलावा सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन करती है का जलीय विलयन रिएक्शन करता है तो सोडियम बाइसल्फाइड बनता है। उसके बाद है चूने के पानी, यानी रिएक्शन विद लाइम वाटर। लाइम वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करे तो उसका रंग दूधिया हो जाता है और कैल्शियम सल्फाइड बनती है। रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं अगर और ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड इसमें डालते जाएंगे तो ये कैल्शियम सल्फाइड बनी थी वो कैल्शियम बाइसल्फाइड में बदल जाता है जो कि रंगहीन होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होता है। उसके बाद आ जाते हैं इसका एडिशन रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन कर के साथ एडिशन रिएक्शन देती है, यानी क्लोरीन के दोनों एटम ऐड हो जाते हैं। इसमें बनता क्या है, Cu2O2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करती है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि दोनों क्लोरीन के एटम सनलाइट में इसमें ऐड हो जा रहे हैं और इसी तरह ऑक्सीजन भी ऐड होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। उसके अलावा और भी एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन के, सोडियम परऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पे सोडियम सल्फेट बनाता है। लेड ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो लेड सल्फेट पे कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड को जल वाष्प से रिएक्शन कराए तो ये वाटर से रिएक्शन में डिसॉल्व करते हैं बल्कि तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है और इसमें नवजात या डिसेंट हाइड्रोजन मिलती है जो दूसरे पदार्थों को अपचयन करने का काम करता है। उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचयन अपचायक की तरह काम करती है। अपचायक गुण में इसके रिएक्शन आ जाते हैं, हैलोजनों को हैलोजन अम्लों में अपचयित कर देती है। अभी ये जो ऊपर रिएक्शन देखा था सल्फर डाइऑक्साइड, यानी नम रिएक्शन जब नम होती है यानी वाटर होता है साथ में तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है वाटर के साथ, साथ में नेसेंट हाइड्रोजन देती है जो हैलोजन को हैलोजन अम्लों में कन्वर्ट कर देती है। नेसेंट हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बना लेता है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह हो जाएगा SO2 plus H2O plus Cl2, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और साथ में HCl। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं SO2 plus 2H2O plus Cl2, तो ये सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन, ये इसका आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन साथ में लिखते रहना इसलिए अच्छा है क्योंकि जब बाद में हमें बैलेंस वैलेंस करने के लिए रिएक्शन चाहिए होता है तो रिएक्शन को अगर हम बैलेंस से लिखने की आदत डाले रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये फेरिक लवणों को फेरस लवणों में अपचित कर देती, सेम रिएक्शन SO2H2O से रिएक्शन करके वही क्रिया होती है, H2SO4 बनता है और नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है। अब ये फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड में अपचयित कर देती है। गुड मॉर्निंग कर रहे हो तुम लोग, बजाय इसके क्लास ज्वाइन करो। अब ये ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ प्रोड्यूस हुई, ये फेरिक क्लोराइड को इसने फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया और साथ में HCl बना, ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगा।
और इसका जो आयनिक रिएक्शन है ये हो जाएगा 3Fe3+ SO2, 2H2O अनायनित रहता है, इधर हो जाएगा 2Fe2+, ये 4H+ हो जाएगा, नॉट 4H+, जिसे ये वाला भी लेकर के 4H+ प्लस सल्फेट। उसके अलावा इसी तरह से ये फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में अपचयित कर देती है। फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट है, SO2 और H2O से रिएक्शन होता है H2O की प्रेजेंस में, तो ये फेरस सल्फेट और H2SO4 में बनता है। इसका आयनिक रिएक्शन 2Fe3+ हो जाएगा, ये SO2 और ये दोनों आयंस में नहीं लिखे जाएंगे, 2Fe2+ दो और दो चार हाइड्रोजन हो जाएगा और सल्फेट है। आगे ये पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नीज सल्फेट में अपचयित कर देता है, ऊपर का रिएक्शन उसी तरह से होगा। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट से ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन करके इसको मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट, पहले MnO बनेगा K2O H2O, अब ये MnO इस H2SO4 से रिएक्शन करके मैग्नीज सल्फेट बनाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 5H2O, इसके बाद पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। आयनिक रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हो, दो मैग्नेट आयन हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O, और उसके बाद इधर 2Mn2+ हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है मैग्नीज का, और ये 5SO2- हो जाएगा, और 2SO2 इधर, SO4 इधर है, दो इधर है और एक यहाँ है, तो 5 हो गया प्लस 4H+। तो आयनिक फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि जितने सल्फेट आयन है उनको एक साथ लिख दिया, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक, जितने मैग्नीज आयन है एक था, जितने हाइड्रोजन आयन है उनको एक साथ लिख दिया। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम सल्फेट में अपचयित कर देता है, उसी तरह का रिएक्शन, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करती है तो क्रोमिक ऑक्साइड बनता है, यहाँ इसका नारंगी लाल रंग होता है और यहाँ इसका कलर चेंज हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। क्रोमिक सल्फेट जो यहाँ बना वो फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हल्का रंग देता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम सल्फेट और H2O। आयनिक रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा, Cr2O7 2- 2H+ यहाँ होगा, सल्फर डाइऑक्साइड अनायनित रहेगी, फिर ये 2Cr3+ ये हो जाएगा 3SO2-, और अब इधर K2 और K2 दोनों बराबर है तो वो 2K+ कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। पोटेशियम आयोडेट को आयोडीन में अपचयित कर देती है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, जो पोटेशियम आयोडेट से रिएक्शन करके आयोडीन लिबरेट करती। ओवरऑल रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड H2O, पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडीन। आयनिक रिएक्शन इसका इस तरह से होगा, IO3 दो IO3 आयन बनेंगे और H2SO2 वैसे ही रहेगा, यहाँ 5 सल्फेट हो गए, चार एक ये है और चार ये है, 5 सल्फेट, 8 हाइड्रोजन और 1 आयोडीन। अब आज इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजक, सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजक गुण इसके अपचायक गुण के कारण होता है, परंतु ये अस्थाई है, वायु में रखने पर पदार्थ फिर से अपनी पूरी पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो विरंजक मतलब किसी चीज का रंग उड़ा देना। सल्फर डाइऑक्साइड जब नमी के साथ होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नेसेंट हाइड्रोजन देती है, और यही नेसेंट हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने पे, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाओ डीकम्पोजिशन।
उसके बाद डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करने पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बदल जाती है, सो टू अधिक ताप पर या विद्युत आर्क की उपस्थिति में विघटित हो जाती है। तो विघटित होकर के 3SO2 है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाती है और साथ में सल्फर अलग होता है, थोड़ी बहुत मात्रा मिलती है। उसके अलावा कार्बोनेट लवणों से अभिक्रिया भी है इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट लवणों से अभिक्रिया। कार्बोनेट क्या होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस तरह के कार्बोनेट लवणों से ये नमी की प्रेजेंस में या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके इसको बाइसल्फेट पे बदल देती है। जैसे सोडियम कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड में बदल देती है। अपचायक गुण के बाद इसमें आ जाते हैं इसके ऑक्सी कारक गुण पे। ऑक्सीकारक गुण सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक की तरह भी काम करता है। ये मैग्नीशियम को, इसके एग्जांपल हैं ये, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा तो इसकी ऑक्सीजन इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल देगी और साथ में मैग्नीशियम सल्फाइड भी बनेगा। आयरन को आयरन सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देगा। एफी को जब Fe से रिएक्शन कराते हैं तो फेरस सल्फाइड भी बनेगा, साथ में ये ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन सल्फाइड SO2 से रिएक्शन करके वाटर बनेगा और सल्फर ऑक्सीकृत हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर मिलती है। H2 को H2O में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो करीब 1275 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर और सल्फर बनता है। उसके बाद स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देती है। स्टेनस क्लोराइड है ये, स्टेनस क्लोराइड का रिएक्शन जब HCl और SO2 के साथ होता है तो ये स्टेनिक क्लोराइड में बदल जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों। इसी तरह मर्क्यूरस क्लोराइड का SO2 और HCl से रिएक्शन होता है तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड में बदल जाता है, तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, ऊन तथा रेशम के विरंजन में, प्रतिक्लोर विसंक्रामक तथा परिरक्षक के रूप में, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग होता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये उपयोग 4-5 पॉइंट है, इसे नोट कर लो। अब आ जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना कैसी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। सल्फर परमाणु की उत्तेजित अवस्था में 3px कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। अब ऑक्सीजन के पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके पास 3d कक्षक नहीं होती, 1s2 2s2 2p4 होता है, और तीसरे जब शेल में हम जाते हैं तभी हमको डी कक्षक मिलती है।
लेकिन सल्फर के पास वैकेंट डी कक्षक होती है, तो नॉर्मल जो सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस तरह से होता है 3s2 लास्ट में और 3p4, लेकिन इसके बाद 3d0 होता है। तो सामान्य अवस्था का ये जब एक्साइटेड स्टेट में होता है बॉन्ड बनाना होता है, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है, तो ये 3 unpaired इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये s और दो पी ऑर्बिटल आपस में संक्रमण करके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड में s जो s एटम है वो sp2 संकरित होता है। sp2 संक्रमण में 3 sp2 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं, 1, 2, 3। तीनों की ऊर्जा सेम होती है, जिनमें से एक के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है और बाकी दो के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेती हैं और ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है। अब सल्फर परमाणु के sp2 संकरण की अवस्था में उक्त 3 sp2 संकरित कक्षकों के लिए एक अयुग्मित पी कक्षक तथा एक अयुग्मित डी कक्षक भी होता है। अब ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले sp2 संकरित कक्षक दो ऑक्सीजन परमाणुओं से एक एक पी कक्षकों से sp2p अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये दोनों कक्षक हैं जो sp2, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ sp2p सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तथा सल्फर में विद्यमान एक अयुग्मित पी कक्षक बच जाएगी, वो ऑक्सीजन परमाणु के पी कक्षक से अतिव्यापन द्वारा साइड अतिव्यापन पी पाई बंध बनाता है, और दूसरा अयुग्मित संकरित डी कक्षक दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के पी कक्षक से पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पी पाई डी पाई बंध बनाता है। इस तरह से ये ऑक्सीजन परमाणु है सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि जिसके पास के ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पी ऑर्बिटल है, और इधर ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और सल्फर के, तो ये दोनों यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये पी ऑर्बिटल जो है ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इधर ये दोनों ऑर्बिटल पाई पाई बॉन्ड बनाते हैं, और इधर ये डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड कौन सा बनाता है, ये वाला ऑर्बिटल ऑक्सीजन परमाणु का, जो SO2 दो ऑक्सीजन है, तो दूसरे ऑक्सीजन का एक पहला पहले ये देखो पहला ऑक्सीजन सल्फर से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इधर ये दूसरे ऑक्सीजन से सिग्मा दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ ये sp2 सल्फर का संकरित ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इधर ये क्या हो रहा है कि ये पी पाई बॉन्ड बन रहा है, तीसरा जो है पी पाई डी पाई, और यहाँ पे पी पाई इस ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड बन रहा है, और इस सल्फर के डी ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ पी पाई डी पाई बंध बन रहा है। इसका स्ट्रक्चर जब इस तरह से ड्रॉ करेंगे तुमको इस तरह आएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास पी ऑर्बिटल के पास एस के, और बाकी दो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड बंद है, और दूसरा डी पाई बॉन्ड है। ये पूरा स्ट्रक्चर देखो, ये पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन की सल्फर की sp2 ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना रही है, और दूसरा कौन सा है पी पाई बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और सल्फर में। इधर सल्फर की sp2 ऑर्बिटल ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बना रही है, और इधर डी पाई और पी पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है।
अब ये डिफरेंट कंपाउंड है सल्फर के, जिनका कि जिनके की स्ट्रक्चर यहाँ पे है सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी में। इनका अणुसूत्र, जैसे सल्फ्यूरस अम्ल है, अणुसूत्र होता है H2SO4, अष्टक नियम से इनकी संरचना बनाई जाए तो इस तरह से होगी। आणविक सिद्धांत से संरचना इस तरह से होगी, और सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था इस कंपाउंड में होगी +4। इसको निकाल के भी देख सकते हो। दूसरा है थायोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O2, इसका सूत्र होता है, संरचना इस तरह से, और कच्छक सिद्धांत से संरचना इस तरह से, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 0 होती है। उसी तरह ये थायोसल्फ्यूरस एसिड मॉलिकुलर फार्मूला उसका ये है, सल्फर इसमें जो होता है वो SP3 हाइब्रिडाइज होता है, इधर संकरण दिया हुआ है किस तरह का होता है, और ये अष्टक नियम से संरचना ये हो गई। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, और यहाँ सल्फर जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और कच्छक सिद्धांत से संरचना इस तरह से होगी। दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 होगी। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की संरचना इस तरह से होती है, यहाँ पे केंद्रीय सल्फर परमाणु है वो SP3 हाइब्रिडाइज है, और इस तरह से संरचना, और जो कच्छक सिद्धांत से देखोगे तो संरचना इस तरह से होगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +6 होती है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड की संरचना इसी तरह से, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की संरचना, ये सारी संरचना इसको। उसके बाद थायोनिक अम्ल श्रेणी में होता है डाई थायोनिल एसिड H2S2O6, जिसकी संरचना इस तरह से है। उसके बाद ये है जो संरचना जो है, पैराक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सबकी संरचना इस तरह से बना सकते हो। तो ये तुम्हारे सल्फर के कंपाउंड थे। आज हमने ऑक्सीजन के बाद सल्फर के बारे में पिछले क्लास से बताया था, और सल्फर के कंपाउंड्स के बारे में आज के क्लास में बताया। तो अब आज के क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। कल तो संडे है, फिर मंडे को फिर हम जो है, अगर कॉलेज नहीं खुलेगा तो ऑनलाइन ही क्लास चलेगा, तब हम ऑनलाइन क्लास इसी तरह से लेंगे।